मतलब इतना देसी घी ना मैंने पूरी जिंदगी में 25 साल अपने घर पे नहीं खाया। सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। सिंह साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया। मोस्ट वेलकम सर। बहुत ज्यादा तारीफ सुनी आपके शहर में कि आप ऐसे ऐसी आइटम बेचते हो कि भाई सारा कुछ ही देसी घी के अंदर। भैया जी देखो जी, तारीफ करवाने वाले आप सोशल मीडिया के सभी भाई हो जी, आपके बदौलत ही है सारा कुछ है जी। तो सर ढाबा तो दिखाइए, अपने पीछे कार नजर आ रही है मारुति, ढाबा किधर है? ये है ही कार ही है जी, लेकिन इसको हमने कैसे कारोबार में कन्वर्ट किया वो हम आपको दिखाते हैं। भाई ये देखो आगे से है कार पर पीछे है कारोबार। कहाँ से आते सर आप? जी इंडस्ट्रियल एरिया जलंधर तो आईदा जी। अराउंड कितने किलोमीटर सर चलाते हो? 11 किलोमीटर जी। तो 11 किलोमीटर से आते हैं सिंह साहब अपनी मारुति 800 के अंदर, इतना बढ़िया खाना बेचने। ये क्या बना रहे हो सिंह साहब आप? भाजी ये भाजी है जी, अपनी पाव भाजी दी। पाव भाजी बना रहे हैं जी सिंह साहब। पहली बार मैंने किसी सरदार जी को ना महाराष्ट्रीयन डिश पाव भाजी बेचते देखा है। और ये क्या भाजी? ये भाजी तवा चाम जी अपनी। ये चेक करो भाई क्या कमाल की लुक है ग्रेवी की, तवा चाम। मतलब सर एक पंजाबी आइटम एक महाराष्ट्रीयन आइटम दोनों एक साथ मिक्सअप करता जी। क्या बात है जी भाजी, खुशबू बहुत ज्यादा बढ़िया आ रही है भाजी। सारा कुछ देसी घी जी, टोटल प्रिपरेशन अपनी देसी घी भाजी। वाह, जीरो रिफाइंड यूज है, तुसी लैबोरेटरी से ले जाके चेक करवा सकते हो, रिफाइंड दे एक तुपका नहीं निकलूगा भाजी। क्या बात है भाजी, अगर निकला फिर मैं क्या भाजी, साल ली फ्री दी डिश, दोनों डिशा फ्री एक बंदे नु जी। सरदार जी का कहना भाई देसी घी के अलावा और कोई तेल प्रूफ कर दो, दोनों चीजें आपको एक साल के लिए फ्री। ए भाजी अपनी आ गई थी वेज बिरयानी जी। वाह भाई, ये तीसरी आइटम चेक करो, वेज बिरयानी। और वेज बिरयानी के अंदर पनीर ही पनीर नजर आ रहा है मेरे को, कॉर्न्स पनीर आलू बहुत ही बढ़िया। सिंह साहब सारा खाना तो दिखा दिया ऊपर जो लगा हुआ है, एक बार जो सेटअप किया हुआ मारुति में वो तो जरूर जी, जरूर भैया जी। ये भैया जी अपने सारे तवे लगे हुए हैं। ये भाई सामने तवे लगे हुए हैं, तीनों सब्जियां सेटअप, ऊपर पाव आ गए, पाव आ गए जी, मक्खन आ गया, वाह घी आ गया जी, ये फ्यूल इधर ही पड़ता है। क्या बात है, और मारुति है भाई नीचे, पंजाब में अलॉयज का क्रेज देखो, सिंह साहब ने इसमें भी अलॉय डलवाए हुए हैं। ये अपने पीछे डिक्की जी, ये स्टोरेज आ गई भाई, स्टोरेज आ गई। तो मतलब सर चलता फिरता प्रॉपर ढाबा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक सीक्रेट इसमें हो रहे डिक्की जी, ये इधर है। क्या बात है, एक सीक्रेट स्टोरेज यहाँ पर, ये लगा उसका डोर, सारा सामान इसके अंदर लेकर जाते हैं। और उधर से दिखाइए सिंह साहब एक बार आगे। जरूर जी जरूर। सिंह साहब खाने के लिए जगह बनाई अगर कस्टमर को खाना था ना। बिल्कुल, कस्टमर के खड़े होने के लिए जी। और ये इधर प्रॉपर कार है, और भाई देखो आगे प्रॉपर कार है, पीछे प्रॉपर ढाबा है। हाँ जी, दोनों चीजें एक ही कार के अंदर है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, नाले भाजी गेड़ी नाले कम। बिल्कुल सिर्फ कम जी, गेड़ी वाली उम्र खत्म होगी जी अपनी। ठीक है जी, सिंह साहब अब क्या लगाने लगे हो आप? भैया जी आपके लिए बहुत ही स्पेशल तवा चाप विद रुमाली रोटी जी। तो ये लगने जा रही तवा चाप। और भाई यहाँ पे एक ट्रेडिशन है की हर चीज बनेगी तो देसी घी में, वरना नहीं बनेगी। नहीं बनेगी जी, बहुत ही बढ़िया भाजी। किसी भी आइटम का मुहूर्त होगा तो देसी घी से होना है, उसके बिना नहीं होना। नहीं जी नहीं। और एक चीज भाजी, और ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं पड़ रहा सामान जी, कोई भी कस्टमर आएगा ऐसे ही पड़ेगा जी। क्या बात है। तो सिंह साहब यार सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, अगर आपके कोई मन में डाउट रह रहा हो, ये आ गई चाप बढ़िया सी। ओहो सिजल चेक करो देसी घी में, वाह अब ये देखो बढ़िया एकदम थिक चाप तैयार हो गई, और जो खुशबू है ना यार इसकी भी बहुत ही कमाल। ये मारुति ने ना इतना साथ दिया, क्या मैं बताऊँ आपको, ये मारुति ना ना होती तो शायद ना यहाँ खड़ा ना होता। और ये सर इंडिया की पहली फैमिली कार थी, कि लोगों का ड्रीम होता था मारुति कार लेनी है। पर कार का मतलब ही होता था जी मारुति। मारुति रुमाली रोटी पर इसमें भी घी, ये है देखो भाजी क्या बात है, रुमाली रोटी भी घी के अंदर बनाई जाती है। बंदा हमें तो बंदा चाहिए कि जो बंदा देसी घी खाने का शौकीन हो, ठीक है, एक दो तीन चम्मच वो बोलेगा एक्स्ट्रा डाल दो, वो डाल दो हम डाल देंगे। क्या बात है, मतलब क्यों खाना भाजी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी जो एक बार प्राइसेस बताना, क्या क्या रहते हैं सर प्लेट के? सिर्फ 100 जी, कोई भी प्लेट ले लो 100 या रुमाली रोटी जी अलग तो होंगी 20 रुपीज पर रोटी जी। तो 20 रुपए की एक रोटी है भाई देसी घी वाली। बिल्कुल। और कोई भी आइटम ले लो सिंह साहब के पास, सब कुछ मिलेगा 100 रुपए में। और सिंह साहब एक और चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगी, आप सारा कुछ कवर करके रखते हो प्रॉपर सारा टाइम। बिल्कुल भाजी, रुमाली रोटी कर दिए फोल्ड और प्लेट होगी जी तैयार। ये अपनी प्लेट जी तवा चावल वाली भाजी, रोगन चेक करो, इतना रोगन आपको ना किसी नॉन वेज आइटम पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चाम पे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया जी, सब चाम देख ली, पाव भाजी देख ली, अब एक बार वो बिरयानी तो बना के दिखाओ अपनी। लोग कहते हैं वेज बिरयानी होती नहीं है। बिल्कुल होती है जी, आपको दिखाएंगे भी और खिलाएंगे भी। ये अमूल बटर आ गया। अच्छा इसमें दोनों आएंगे भाजी, क्योंकि बिरयानी के ऊपर सर्व नहीं कर सकते अमूल बटर, इसलिए पहले डाल देते हैं। मतलब खिलाना ही है, चाहे पहले खिलाना भी अच्छे से, सिर्फ नाम का नहीं। अभी आगे जी प्याज, अरे तड़का मार के बनेगी बढ़िया। बिल्कुल जी बिल्कुल। दादा सर आइटम कौन सी पसंद करते हैं लोग अपने यहाँ पे, पाव भाजी बिरयानी या चाप आपकी? भैया जी आइटम ही सिर्फ 3 है हमारे मेन्यू में, चौथी आइटम नहीं है। ठीक है, तीनों मतलब एक से बढ़कर एक है जी। क्या बात, और बढ़िया तड़का लग रहा है प्याज का देसी घी के अंदर। ये आ गया ढेर सारा पनीर, अभी इसमें चाप पड़ेगी जी।
अच्छा चाप भी आएगी इसके अंदर? बिल्कुल भाई, बिरयानी जो है ना अब वो वेज ऐसे हो गया है क्योंकि नॉन वेज में तो आते जी चिकन पीसेस, पर वेज बिरयानी में आ रही है जी सोया चाप। ये सर ग्रेवी किस चीज़ की होती है अपनी चाप की? ये भाजी काजू की ग्रेवी होती है जी, काजू और मगज़ वगैरह की। हाँ जी काजू और मगज़ की ग्रेवी है भाई चाप की, एकदम गाढ़ी चाप आ गई। अब इसको भी बढ़िया तवा के ऊपर माहौल बनाया जाएगा इसका। अब यहाँ से आ गई ये बढ़िया सी बिरयानी। ये रेसिपी किसकी है भाजी? सब भाजी अपनी है जी, किसी की। पहले आपने इस पे मेहनत की, बहुत मेहनत की, स्वाद बनाया, फिर बाद में दुकान लगाई। बिल्कुल जी बहुत मेहनत की इस पे। ये अपनी रेसिपी, आपको कुछ भी आप खा लो तीनों में से एक जी, आपको कोई कॉपी नहीं मिलेगा भाजी। वाह अब ये आ गई भाई बिरयानी रेडी होकर सीधा प्लेट के अंदर। भाई पंजाबियों के हाथ अगर कोई चीज लग जाए वो मैंने बताया ना वट निकल जाता है, उसके वट कैसे निकले हैं हर चीज के अंदर भाई। आ गया देसी घी, अब राइस देसी घी भाई, चाप, आलू, प्याज, टमाटर, कॉर्न्स, मतलब पूरा कंप्लीट मील है 100 रुपए के नोट के अंदर। इतनी हैवी थाली है ना, ये देखो आप क्या लुक है यार। वाह अब एक ऐसी बाइट लेता हूँ जिसमें ना सारी चीज़ें आ जाए। ये ऐसे 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 समझ रहे हो ना कैसे ऐसे। भाई वेज बिरयानी बोल रहे हो, तवा पुलाव बोल रहे हो, चाप राइस बोल लो, कुछ भी बोल लो, नाम कुछ भी हो इसका, स्वाद बहुत है, नज़ारेदार चीज़ है। तवा भी बनी हुई है, चाप की ग्रेवी तो इसमें घुल मिल गई है पता भी नहीं लग रही। राइस जो बने हुए हैं भाजी उनका ही जो फ्लेवर बढ़िया है ना, सब्जियाँ बढ़िया से उबली हुई हैं, सॉफ्ट हैं। और यार ये अकेला एक बंदा ना खाए, दो दोस्त आओ, एक प्लेट लो वो खाओ और बाकी अभी फटाफट चाप का बताता हूँ कैसा। अब ये देखो भाई, ये अब बोलोगे आप कुछ भी कह लो, पंजाब का प्यार ही है। आओ स्वाद दिखाता हूँ आपको। ये देसी घी वाली रुमाली रोटी साथ में देसी घी वाली चाप, मतलब इतना देसी घी ना मैंने पूरे ज़िंदगी में 25 साल अपने घर पे नहीं खाया जितना ये 1.5-2 साल फूड ब्लॉगिंग के अंदर ना रोड साइड खा लिया। मतलब भाई आपकी एज 23 साल होगी कह सकते हो आप। ये देखो कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का ये। भाई पाजी तो खिला रहे हैं प्यार से कि देसी घी भी डालना मक्खन भी, पर इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देसी घी है। मेरे को अमृतसर वाले केसर ढाबे की याद आ गई क्योंकि वैसी अमाउंट में देसी घी डाल रखा है। अभी मैंने एक बाइट ली है ना तो जो स्वाद आया मेरे को वो टोटली टोटल देसी घी का आया। तो अगर तो घी के दीवाने हो, मस्ताने हो, परवाने भी हो चाहे, पसंद करते हो ना घी खाना, तो ये दुकान मिस नहीं कर सकते। और अगर घी खाना आपको नहीं पसंद तो भाई पाजी को आके रिक्वेस्ट कर लेना कि पाजी हाथ थोड़ा धीमे रखना क्योंकि देसी घी भाई पूरा खोल खोल के खिलाते हैं। ऐसे चाप स्वाद है, मखमली फ्लेवर है, पर देसी घी पूरा ही देसी क्यों एक्चुअल शब्द पे बना दिया। और बाकी लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन बहुत इजी है, अर्बन स्टेट फेस 1 चौपाटी जलंधर के अंदर मैं हूँ। आप आओगे ना बहुत सारी कार्ट्स हैं पर भाई मारुति सिर्फ एक ही है और मैंने कहीं और देखी भी नहीं रोड साइड। तो मारुति के लिए एक लाइक मार देना और बताना ज़रूर कि आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी।